सो प्रीवियस आर्टिकल में हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो अलग अलग लिखा, और हमने देखा कि दैट इज काइनेटिक एनर्जी दैट इज अ फंक्शन ऑफ मोमेंटम बिकॉज पी इज इक्वल टू एम बी। सो अवर काइनेटिक एनर्जी दैट इज द फंक्शन ऑफ मोमेंटम बिकॉज मोमेंटम इज समवट रिलेटेड विद वेलोसिटी। और पोटेंशियल एनर्जी जो था वो क्या था, दैट डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि हमारा रेस्ट पे था। तो इस तरह से हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो था पोजीशन और मोमेंटम के लिए सेपरेटली लिखा। ओके तो आज हम नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एन ऑसिलेटर। तो देखिए यहाँ ये जो टर्म है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑसिलेटर। ओके अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम निकालते आ रहे हैं। ओके सो व्हाट इज द ऑसिलेटर। ओके सो ऑसिलेटर को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे दैट इज हमारा जो एटम है, और एटम किसका होगा दैट इज एटम ऑफ सॉलिड, और सॉलिड से क्या बनते हैं क्रिस्टल्स। अभी हम यहाँ पे इग्नोर रहेंगे मॉलिक्यूल्स के लिए गैसेस के लिए। ओके उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट सॉलिड्स की बात करें। सॉलिड्स के जो क्रिस्टल होते हैं उनके जो एटम्स हैं उनको हम क्या कंसीडर करेंगे दैट दे आर ऑसिलेटिंग फ्रॉम देयर मीन पोजिशन। ओके दे आर ऑसिलेटिंग फ्रॉम देयर मीन पोजिशन। अगर वो अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर रही हैं, ओके इस डिस्टेंस से ऑसिलेट कर रहे हैं वो मीन पोजीशन से, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो एटम है इन अ क्रिस्टल दैट बिहेव लाइक अ ऑसिलेटर। तो ये जो अजम्पशन है ऑसिलेटर की, ये हमने लेकर चलनी है यहाँ पे कि हमारे जो प्रोबेबिलिटी होगी नाउ दैट विल बी फॉर ऑसिलेटर। ओके सो प्रोबेबिलिटी का हमारा जो एक्सप्रेशन है ऑसिलेटर के लिए वो किस तरह से लिखा जाएगा। तो आज का हमारा टारगेट क्या है, दैट इज वी हैव टू राइट व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑसिलेटर। अब देखिए एक सिस्टम में ऑसिलेटर सिंगल तो नहीं है, उसमें दे आर मेनी नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स मे बी थाउजेंड्स। ओके तो थाउजेंड्स एटम्स जो है क्रिस्टल में उन एक हर एक थाउजेंड्स एटम्स का क्या होगा अपना अपना एक ऑसिलेशंस होगा। ओके अभी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं कि ऑसिलेशन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि हर एक एटम जो है वो क्या कर रहा है अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर रहा है। तो अपनी मीन पोजीशन से जब वो ऑसिलेट करेगा, ओके तो बिकॉज द सिस्टम है मॉलिक्यूल्स तो एटम्स तो बहुत ज्यादा हैं, ओके नंबर थाउजेंड के आसपास है, तो हर एक एटम अपनी पोजीशन से ऑसिलेट करेगा तो प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी हर एक एटम ईच सिस्टम ईच एटम वो क्या होगी डिफरेंट होगी। ओके तो वो जो प्रोबेबिलिटी है वो इन टर्म्स ऑफ किस में लिखनी है हमने, मोमेंटम एंड पोजीशन। फाइन सो बिकॉज काइनेटिक एनर्जी दैट वाज एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन एंड मोमेंटम वाज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो हियर इज काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर ओवर 2m एंड पोटेंशियल एनर्जी वाज 1 बाई 2 एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पॉइंट सो m यहाँ पे मास है ईच एटम का, तो हम क्या कंसीडर करते हैं मास जो है हर एक एटम का इक्वलेंट जैसा है, वन यूनिट मास है इसका हर एक एटम का। सो दैट इक्वेशन विल बी टू वन बाई टू
omega square and q square. Fine. So total energy can be written further. P cube 1 by 2 summing over alpha P alpha square plus omega alpha square and Q alpha square. क्या किया मैंने? एक अल्फा जो है आपका, ये हमें बता रहा है कि सिस्टम में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना है, ऑसिलेशन का नंबर, दैट इज अल्फा इज ऑसिलेशन नंबर. This is for eighth alpha oscillation number, or because momenta hai kinetic energy ka, or position jo hai wo kiska hai, that is for potential energy. Now let us write this expression number one in classical case. So classically, equation one. तो classically ये जो expression था वो किस तरह से लिखा जाएगा? That is dW of Q is equals to A exponential minus omega square Q square over 2T into dQ. ओके अब यहाँ पे मैं कंसीडर क्या कर रही हूँ, मैंने जस्ट कंसीडर किया बिकॉज हमने पोजीशन और मोमेंटम के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखे थे. दैट इज मोमेंटम के लिए हमारा था ए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जहां से हमने आर्टिकल स्टार्ट किया, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटा ओवर टी डी पी एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर पोजिशन. तो पोजीशन के लिए u ऑफ q ओवर t इंटू डी क्यू. सो यहाँ पे मैंने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा, दैट इक्वेशन नंबर टू इज फॉर पोजीशन. मोमेंटम जो है, अभी मैंने मोमेंटम को इग्नोर करा हुआ है, मैं जस्ट यहाँ पे क्लासिकल व्यू में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कोऑर्डिनेट. ओके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कोऑर्डिनेट क्लासिकली. सो इस तरह से लिखा जाएगा. नाउ लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर क्वांटम केस. ओके दिस इज क्लासिकल. सो क्वांटम मैकेनिकली ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाना है? दैट एक्सप्रेशन हैविंग क्वांटम, बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो रही है, तो हर एक मोमेंटा जो है, हर एक ऑसिलेटर की एनर्जी जो होगी, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल के लिए एच क्रॉस ओमेगा एन प्लस वन वाई टू. और अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी है तो हमें पता है एन इज इक्वल टू जीरो, दैट विल बी ई एन इज इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा ओवर टू. ये क्या है आपका ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर. ओके ये है आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी. सो लेट अस कंसीडर दैट आवर ऑसिलेटर, लेट our oscillator in nth state. किसी state में consider कर लिया कि हमारा जो oscillator है, एक oscillator consider किया मैंने जो कि आपकी क्या है nth state में पड़ा है. okay so इस case में जो probability, then probability
डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम ओनली, कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, कोऑर्डिनेट के लिए कंसीडर करें, मैं मोमेंटम जो है वो इग्नोर्ड है. वो कैसे लिखा जाएगा? विद द हेल्प ऑफ दिस बे फंक्शन डिफाइंड बाय बाय साई एन स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, साई एन स्क्वायर वो फंक्शन जो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट विल बी नथिंग बट डी डब्ल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मल्टीप्लायर होगा किसका, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है दैट इज डब्ल्यू ऑफ एन, और जिसको क्या करेंगे हम, समेशन ओवर ऑल द एनर्जी स्टेट्स. जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ओके, नेगेटिव को नहीं लिया है, पॉजिटिव जितनी भी एनर्जीज होंगी उनको क्या कर दिया हमने, इंटेग्रेट कर दिया अप टू इनफिनिटी तक. ओके, अप टू इनफाइनाइट सारी जो आपकी एनर्जी स्टेट्स हैं उनको क्या कर दिया, इंटेग्रेट, सॉरी समेशन कर दिया उसका. ओके, नाउ दिस डब्ल्यू एन इज नथिंग बट अवर गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन ओवर टी. तो इसको यूज कर लेते हैं यहाँ, दैट इज ए समिशन ओवर ऑल द एनर्जी स्टेट्स एंड एनर्जी ई एन ओवर टी. That is equation number 3. So equation 3 जो है, और equation 2, that is a probability distribution classically for coordinate system, and this equation number 3 is a probability distribution for an oscillator quantum mechanically. तो क्वांटम मैकेनिकली यहाँ जो है आपकी, हम यहाँ देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का यूज हो रहा है यहाँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर ओवर 2m यहाँ पे लिख रखा है हमने. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म यूज हो रहा है यहाँ, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज पी स्क्वायर ओवर 2 वो क्या है अभी इग्नोर करा है यहाँ. और यहाँ पे भी सेम हमने आपके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिए मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख लिया. नाउ ये जो इक्वेशन 3 है, वैसे तो ये इक्वेशन 3 अपने आप में कंप्लीट है, बट फर्दर अगर इसे सॉल्व करें और कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और अनदर थिंग्स, तो इसका जो प्रोसेस है वो काफी लंबा हो जाएगा. और ये इक्वेशन फर्दर मैं सॉल्व करने जा रही हूँ यहाँ पे, दैट इज बिकॉज डी डब्ल्यू इज नथिंग बट डी डब्ल्यू इज रो पी क्यू डी पी एंड डी क्यू. और ये जो डी डब्ल्यू है ये फंक्शन किसका है, पी और क्यू का. अब यही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैं मोमेंटम के लिए लिखूं तो ये आएगा आपका पी एंड डी पी, और कोऑर्डिनेट के लिए यही क्या होगा, दैट इज क्यू रो ऑफ क्यू एंड डी क्यू. ओके, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन, और ये क्या है, सेपरेट प्रोबेबिलिटीज. सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन फर्दर. कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना है मुझे, ये वाला, दैट इज ए डी क्यू n is equal to 0 to infinity exponential minus e n over t and psi n square. That was equation 3. So using these quantities for coordinate only,
हमारा जो फंक्शन है वो क्या आएगा, दैट इज रो क्यू इज इक्वल्स टू ए डी क्यू समिंग ओवर ऑल द पॉसिबल स्टेट्स इनटू ई एन ओवर टी एंड साई एन स्क्वायर, विच इज फर्दर क्या करेंगे इसको हम अगर डिफरेंशिएट किया जाए इस इक्वेशन को विद डी क्यू तो ये मुझे क्या प्राप्त होगा, दैट इज ए समिंग ओवर ऑल द स्टेट्स एंड डी ओवर डी क्यू साई एन स्क्वायर. तो फर्दर ये मुझे मिलेगा टू ए बिकॉज टू टेकिंग आउटसाइड एंड n is equal to 0 to infinity dn over t और यहां से that is psi n because इसका n x n minus 1 तो यहां ले लिया इसका ये 2 और psi n and psi over psi q. That equation 4. So equation 4 को मैं यहाँ rewrite कर लूँगी दोबारा से. That is rho q over dq is equals to 2 times a and exponential energy over t psi n d over dq psi n. That is 4. Now, equation 4 में जो ये जो derivative है, that is d over dq psi of n, इसे मुझे solve करना है. Okay, और ये जो equation है, ये जो derivative है, ये कैसे solve होगा? Matrix element use होंगे यहाँ पे, और कौन से matrix element? That is a coordinate, यहाँ मैं pen दूसरा use कर लूँ. That is coordinate density matrix for harmonic oscillator. तो ये जो problem है differentiation की density matrix for harmonic oscillator, ये आप problem ये end of the article है, end of the article जहाँ पे ये आपको problem मिल जाएगी, तो ये वहाँ से आप देख सकते हो कि इस problem को जो है density matrix की help से किस तरह से solve किया हुआ है. तो मैं direct वहाँ से expression उठा रही हूँ, that equation is giving you iota over h cross P psi of n, because momenta क्या है, that is iota h cross d over dx, d over dx iota h cross, यहाँ x की बजाय मैं क्या कर लूँ q, क्योंकि position जो है that is denoted by q. So further this may written like that P of n minus 1 comma n psi of n minus 1 plus pn plus 1 comma n psi of n plus 1 using harmonic oscillator density matrix omega over h cross q n minus 1 comma n psi of n minus 1 minus q n minus 1 plus 1 comma n psi of n plus 1. ये जो टर्म है इसको सॉल्व कर रहे हैं. So further, using more relation, that is p of n minus 1 comma n, इसको हम लिख सकते हैं iota omega q n minus 1 comma n
और पी ऑफ एन माइनस वन सॉरी प्लस कॉमा एन दैट विल बी रिटर्न आयोटा ओमेगा क्यू ऑफ एन प्लस वन कॉमा एन। तो ये सारे जो एक्सप्रेशन है डिफरेंशिएशन का, ये एक्सप्रेशन और साथ में ये एक्सप्रेशन सारे यूज करके मैं इक्वेशन नंबर फोर को दोबारा से लिखने जा रही हूँ, दैट इज डी ओवर डी क्यू रो क्यू इज इक्वल्स टू टू ए ओमेगा ओवर एच क्रॉस समीशन एन जीरो टू इनफिनिटी q n माइनस वन साई एन माइनस वन एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन ओवर टी, बिकॉज ये इसके साथ है टू अल्फा ओमेगा ओवर एच क्रॉस जो है ये बाहर निकाल लिया हमने, और साथ में नेगेटिव बिकॉज ये भी इंक्लूड होगा, सो नेगेटिव साइन समेशन n is equal to 0 to infinity. अब q वाली टर्मों को ले लीजिए, q of n plus 1 comma n psi of n plus 1, और साथ में exponential ये जो टर्म है because ये आपकी both में include होगा और साथ में ये भी, okay? ये जो है आपका common term है दोनों का, तो एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ई एन ओवर टी यहाँ भी आएगा। फर्दर इसी इक्वेशन को फर्दर में सॉल्व करने वाली हूँ, सो डी ओवर डी क्यू रो ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू ए ओमेगा ओवर एच क्रॉस वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच क्रॉस ओमेगा ओवर टी इंटू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी क्यू एन प्लस वन साई एन प्लस वन एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन ओवर टी, बिकॉज ये टर्म जो है ये बोथ में इंक्लूड होगा और क्वांटिटी हमने क्या यूज की कि हम जो है ई एन को लिख सकते हैं ई एन प्लस वन माइनस एच क्रॉस ओमेगा, और साथ में क्यू एन कॉमा क्यू एन प्लस वन को सॉरी एन और एन प्लस वन जो है इसको एक जैसा लिख सकते हैं, दैट इज एन प्लस वन अगर आगे है पीछे है तो ये क्या है सेम है ये चीज, और क्यू माइनस वन कॉमा जीरो जो है इसको जीरो ले लेना है। okay. तो ये सो सारे एक्सप्रेशन है ये हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में भी कर रखे हैं, दैट इज इन एमएससी फर्स्ट, तो वहां से भी आप इनको चेक कर सकते हो। तो ये इक्वेशन मेरे पास बना इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर, सो इक्वेशन फोर, और उसके बाद हम एग्जैक्टली जो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन होगा फॉर कोऑर्डिनेट ए वन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एच क्रॉस ओमेगा ओवर टी इंटू समेशन जीरो टू इनफिनिटी क्यू एन इंटू एन प्लस वन साथ में साई एन प्लस वन एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन ओवर टी दैट इज फाइव। ओके सो प्रोबेबिलिटी ये जो है आपका नॉट प्रोबेबिलिटी बट डेंसिटी मैट्रिक्स, जो डेंसिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे
वो सॉल्व करा हुआ है प्रीवियस एक्सप्रेशन को यूज करके, तो ये एक्सप्रेशन भी मैंने क्या किया है यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। अगर आपको ये एक्सप्रेशन वैसे नहीं सॉल्व हो पा रहा तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव साइन यूज हुआ है और ए, और बाकी जो टर्म है वो सारी क्या है, इक्वल है। तो इक्वेटिंग 4 and 5 तो क्या मिलेगा मुझे, दैट इज डी ऑफ डी क्यू रो ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ओके, और यहाँ ये जो वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 से यूज कर लूंगी, तो 5 से मुझे यहाँ क्या मिलेगा, लेफ्ट में आपका आ गया दैट इज q ऑफ n, n प्लस 1 साई ऑफ n, साई ऑफ n प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस e n ओवर t लेफ्ट में, और राइट में चला गया q रो ऑफ q ओवर a 1 प्लस e माइनस h क्रॉस ओमेगा ओवर t। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम 5 जो है इक्वेशन 4 में यूज कर रहे हैं, देन 4 implies, या इक्वेट कर लो एक ही बात है, 2a iota h cross into 1 minus exponential minus h cross omega over t। अब ये जो टर्म है आपकी, ये इक्वेशन नंबर 5 से आया है, तो दैट विल बी नथिंग बट दिस a 1 plus e minus h cross omega over t and into q rho of q। so a को काट लीजिए यहाँ, और रेस्ट जो मिला मुझे दैट इज 2 ओमेगा ओवर h क्रॉस एंड 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस h क्रॉस ओमेगा ओवर t डिवाइड 1 प्लस एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ देखिए आप, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये सिंपलीफाई हो चुका है काफी हद तक, तो ये मिलेगा मुझे, ये टर्म क्या है आपकी, टेन हाइपरबोलिक फॉर्म में है, टेन हाइपरबोलिक एच क्रॉस ओमेगा ओवर टू टी, फाइन। और साथ में टर्म बनी मेरे पास क्यू रो ऑफ क्यू, फाइन। सो फाइनली दैट रिजल्ट गिविंग मी डी ओवर डी क्यू रो ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 ओमेगा ओवर एच क्रॉस एंड टेन हाइपरबोलिक एच क्रॉस ओमेगा ओवर 2t एच क्रॉस, ओह दैट इज ओके, एंड क्यू रो ऑफ क्यू, दैट नंबर इज 6। तो इस इक्वेशन को फर्दर हम अगर इंटेग्रेट करें, इंटेग्रेट कर दीजिए इसको डी क्यू से, तो इंटेग्रेशन से मुझे यहाँ मिलेगा प्रोबेबिलिटी या फिर डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ क्यू इज सम कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, बिकॉज माइनस साइन है यहाँ पे, और ये जो 2 है ये आपका यहाँ के बैठ गया क्यू स्क्वायर, ओके एक्सपोनेंशियल में है ये, आयोटा एच क्रॉस क्योंकि 2 तो चला गया यहाँ पे, आयोटा एच क्रॉस एंड टेन हाइपरबोलिक एच क्रॉस ओमेगा ओवर 2t, दैट इक्वेशन इज इक्वेशन 7। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जाना माना एक्सप्रेशन आपके पास निकल के आ रहा है जिसको हम जानते हैं पहले से,
एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग, तो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वहां पे निकाल रखा था इस तरीके से। तो एक ऑसिलेटर जो है, ऑसिलेटर का जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह से लिखा जाना है इन टर्म्स ऑफ पोजिशन ऑनली, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी को इंक्लूड करा है अभी हमने। तो ये कॉन्स्टेंट जो है दैट इज कैलकुलेटेड बाई द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट विल गिव यू नथिंग बट ओमेगा ओवर पाई एच क्रॉस टेन हाइपरबोलिक एच क्रॉस ओमेगा ओवर टू टी इंटू, ये आपका आ गया एक्सपोनेंशियल की टर्म जो है वैसे ही रहेगी ओवर एच क्रॉस टेन हाइपरबोलिक एच क्रॉस ओमेगा ओवर टू टी, इक्वेशन नंबर 8। तो ये जो इक्वेशन 8 है ये बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल गया रहा इक्वेशन नंबर 8। और इस इक्वेशन, ये जनरल जैसा इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है ये, यहां से आपका क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट भी निकलेगा और क्लासिकल मैकेनिक्स का रिजल्ट भी निकल सकता है। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन है जस्ट कोऑर्डिनेट का, और यहां से जनरल जैसा एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट करके देख लिया। अब जो है क्लासिकल और क्वांटम, ये एक्सप्रेशन कैसे देगा मुझे अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूं नंबर 1, दैट इज इफ एच क्रॉस ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन टी, देन व्हाट विल हैपन, दिस क्वांटिटी एच क्रॉस ओमेगा ओवर टी विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। ओके, बहुत लेस हो जाएगा 1। तो इक्वेशन नंबर 8 जो है दैट विल बी रिड्यूस्ड टू, जो हमने क्लासिकली रिजल्ट निकाला था दैट इज इक्वेशन नंबर 30.1 इन लंडाओ बुक। सो ये रिजल्ट आ रहा है आपका, that is if I calculate this value d of, sorry, that equation number 2, यहाँ पे dw of q normalization constant a को apply करें तो that will be 2 pi t exponential minus omega square q square over 2 t into d cube 2a, okay। तो रिड्यूस किस में करेगा, दैट इज 2a में। तो 2a जो है ये क्या है, क्लासिकल रिजल्ट है हमारा। ओके, कंडीशन 2, इफ h क्रॉस ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन t, ओके, जो आपका फ्रीक्वेंसी है ओके वो ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा टाइम के कंपैरिजन में, तो आपका इक्वेशन नंबर 8 जो है दैट विल बी गिव यू डी डब्ल्यू ऑफ क्यू, और मे रिटर्न डी ऑफ सॉरी रो ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर पाई एच क्रॉस। ओके, यहां से इक्वेशन 8 रिड्यूस टू एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर ओमेगा ओवर एच क्रॉस, ठीक है। दैट इक्वेशन इज इक्वेशन 9। इक्वेशन 9 को देखिए आप, यहाँ पे टेन एच क्रॉस ओमेगा जो था
ओवर टी वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे टेन हाइपरबोलिक की जो टर्म थी वो आपकी रिड्यूस होगी वन में, तो ये टर्म आपकी वन में आ गई सारी। और हमारे पास जो रिजल्ट बना दैट इज इक्वेशन नंबर 9। तो इक्वेशन नंबर 9 को हम कह सकते हैं कि 9 जो इक्वेशन है हमारा दैट इज क्वांटम मैकेनिकल, प्योर क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, दैट विल गिव यू दैट इक्वेशन 9 इज द प्योरली क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कोऑर्डिनेट्स इन द ग्राउंड स्टेट। अभी जो हमने ग्राउंड स्टेट कंसीडर किया है, ग्राउंड स्टेट ऑफ द ऑसिलेटर, जहां पे एनर्जी जो था क्या था दैट इज एच क्रॉस ओमेगा एन प्लस वन बाय टू, और एन क्या था दैट इज जीरो। सो द एनर्जी वॉज ग्राउंड स्टेट एनर्जी एच क्रॉस ओवर टू ओमेगा ओवर टू। सो कोऑर्डिनेट के लिए एक्सप्रेशन लिख लिए हमने क्वांटम मैकेनिकली क्लासिकली। ओके, अब जो है सिमिलर एक्सप्रेशन जो हम निकाल सकते हैं दैट इज फॉर मोमेंटम सिस्टम। जस्ट क्या करना है आपका, जहां पे सिस्टम आपका इक्वेशन नंबर 8 जो है दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। जनरल इक्वेशन है, तो इक्वेशन 8 में जहां पे आपका पोजीशन है वो रिप्लेस क्या हो जाएगा मोमेंटम से, तो मोमेंटम का एक्सप्रेशन जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मोमेंटम ऑफ एन ऑसिलेटर दैट इज क्यू नॉट क्यू बट पी दैट विल बी 1/πh×ω tan hyperbolic h cross omega over 2t 1 over 2 into exponential minus of p square over 2 h cross omega tan hyperbolic h cross omega over 2t। और एक्सप्रेशन किसका है दैट इज फॉर मोमेंट। स्टैंडर्ड इक्वेशन वन की आगे नहीं है किसका, फॉर मोमेंटम दैट इक्वेशन 10 ये स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर मोमेंटम। नाउ अगेन क्लासिकल लिमिट हम अप्लाई करें अगर तो क्या बनेगा दैट इज एच क्रॉस ओमेगा दैट शुड बी लेस लेस वन। ओके, less than 1 and quantum mechanically that h cross purely quantum mechanically that will be greater than 1। okay, aur is equation ko agar main apply kar do yahan pe is number ko 1 ko is limit ko equation number 10 mein that will give you d of omega p will be 2 pi t 1 by 2 pi t। okay, root of that and exponential minus of t square over 2t into dp, this is for classical case। तो अगर हम ओवरऑल यहाँ पे देखें तो हमारा टारगेट जो था वो था कि हम जो है अपने सिस्टम को अगर एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करेंगे दैट इज ऑसिलेटिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, सो हमारा जो ऑसिलेटर होगा उसके लिए जो मोमेंटा और पोजिशन की टर्म में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा जाएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन 2.2a एंड नंबर दिस 3
ओके और 3 को फर्दर जो सॉल्व किया दैट वाज 4, और 4 में हमारे पास ये जो टर्म निकली इसको हमने सॉल्व कर लिया यूजिंग द डेंसिटी मैट्रिक्स फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये जो टर्म है आप रेफरेंस बुक में यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको आप यूज कर सकते हो यूजिंग बुक दैट इज फॉर क्वांटम मैकेनिक्स एंड द नेम ऑफ बुक इज जेटली। वहां पे ये आर्टिकल आपको सारा मिल जाएगा। और एक्सप्रेशन जो है मोमेंटा और पोजीशन के लिए दैट इज इन टर्म्स ऑफ दिस कांस्टेंट, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। यस दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन।